नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट गार्डन में। आपके पास गार्डन है, गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां सड़ रही गल रही है, प्लांट की कीड़े लगे हुए हैं, तो प्लांट जो गार्डन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो अपने प्लांट की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको फर्टिलाइज़र देना टाइम टाइम से बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने प्लांट के लिए आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करके भी जो है गार्डन हेल्दी बना सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो आउटडोर प्लांट हो। तो इंडोर प्लांट की जो पत्तियाँ वगैरह होती है वो भी शाइनी होनी चाहिए, प्लांट हरे भरे हेल्दी बने होने चाहिए, तभी इंडोर गार्डन अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो कुछ स्प्रे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब जो आप अपने प्लांट पर स्प्रे करके प्लांट से कीड़े मकोड़े फंगस हटा सकते हैं और मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकते हैं। और तीन जो है चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपके प्लांट हरे भरे बने रहेंगे, हेवी ब्लूमिंग भी होगी, हेवी फ्लावरिंग आप अपने प्लांट से ले सकते हैं। चाहे आप अपने घर पर ही बीज से कटिंग से प्लांट ग्रो करें तो भी उनसे आप अच्छी हेवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उनमें हेवी ब्लूमिंग होती रहती है, तो वो केमिकल युक्त जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना है। तो आप होममेड जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। होममेड बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो केमिकल युक्त चीज़ें होती हैं उनका यूज करते करते हमें पता नहीं होता है और वो हमारे शरीर के अंदर जाती रहती है। तो दोस्तों, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें आपको बताऊंगी। ये है गोधन अर्क यानी गोमूत्र, जो आप पतंजलि स्टोर से लाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गाय का जो गोमूत्र नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 50 रुपये में इतनी बड़ी बोतल आ जाती है जो एक सीजन के लिए काफ़ी होती है। और इसका यूज़ आप स्प्रे में कर सकते हैं, जो कीड़े वगैरह फंगस लग जाता है प्लांट पर तो उसका जो पत्तियां सड़ने गलने लग जाती है, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है इसका यूज़। तो किस तरह से यूज़ करना है, एक तो मैं आपको बता दूं जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है उनका यूज़ आप बेखौफ कर सकते हैं, बिल्कुल भी डरिएगा मत। कम ज़्यादा मात्रा भी हो जाती है तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और बिना जानकारी के भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ों की हमें जानकारियाँ नहीं होती है तो हमारे सामने होते हुए भी हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको लाइन से बताती रहूँगी कि किस तरह से सबसे पहले तो प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें कीड़े मकोड़े सारे ख़त्म करने होंगे। तो इस तरह से मैंने गोमूत्र ले लिया है, आपके पास देसी है तो और बहुत अच्छा होगा। देसी गोमूत्र बहुत अच्छा होता है, इस तरह अपने प्लांट पर स्प्रे कीजिए, जो कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे ख़त्म भी हो जाएंगे और दूसरी बार आने से भी डरेंगे। तो आप इन चीज़ों को हर 4-5 दिन में यूज करते रहिए। अगर आपके प्लांट पर ज़्यादा फंगस लग गया है, ज़्यादा कीड़े मकोड़े लग गए हैं, काले कीड़े इंसेक्ट वगैरह लगते ही रहते हैं प्लांट पर, तो लगातार 3-4 दिन तक अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे प्लांट तो हेल्दी होगा ही और वो जो इंसेक्ट है वो कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब सारे ख़त्म हो जाते हैं। और जो प्लांट ख़राब होते रहते हैं वो भी ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े हटने के बाद प्लांट अपनी हेल्थ अपने आप ही बना लेता है। ये देखिए दोस्तों, चींटियाँ को भी ये जो स्मेल होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और जो मिट्टी में ये घर बना लेती है तो आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में मिला लीजिए और गोमूत्र को आप मिट्टी में भी दे दीजिए, जिससे मिट्टी उपजाऊ होगी। आपने देखा होगा जो देसी लोग होते हैं वो किस तरह से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। सेकंड नंबर पे है, ये है दोस्तों जो हम अंकुरित बनाते हैं घर पर, चने या फिर मूंग ये गलाते हैं, तो हम जो सुबह हमारे नाश्ता लेते हैं तो उसका जो पानी हम धोकर फेंक देते हैं उसका यूज़ भी आप अपने प्लांट पर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा यूज है, जिससे कि जो पत्तियाँ वगैरह होती है हमारे प्लांट की बहुत ही शाइनी होती है और उसके साथ ही जो इन पर धूल मिट्टी वगैरह लगी होती है तो वो भी हट जाती है और
पत्तियाँ एकदम शाइनी हरी भरी हो जाती है, जो फूल खिलते हैं उनकी साइज़ भी बड़ी होती है, और उसके साथ ही जो फूलों का कलर होता है वो बहुत ही एकदम से ब्राइट कलर होता है। और जो ये चीज़ें वेस्ट होती है दोस्तों, वैसे भी हम इनको फेंक रहे होते हैं, तो कभी कभी हमारे प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं, उग नहीं रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे, हमने लगा दिया है। ये बहुत टाइम से मैंने लीली लगाया हुआ था तो ग्रो नहीं हो रहा था, मिट्टी में दबा कर रख रखा था। ये लिली का, ये कौन सी लिली है मुझे नाम पता नहीं है, बोट लिली कुछ ऐसा ही है। तो थोड़ा टेंशन हो रहा था कि ये प्लांट मेरे हाथ से निकल चुका है, लेकिन दोस्तों मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये अंकुरित का पानी है, ये मैंने अपने प्लांट पर यूज़ किया। आप मिट्टी में या इस चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो इसमें जीवाणु होते हैं वो ढेर सारे पनपते हैं और हमारे प्लांट को उपजाऊ भी, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। तो बार बार दोस्तों हमारे फर्टिलाइज़र देने की जो है बनती नहीं है, तो आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो प्लांट नहीं चल रहे हैं वो भी चलने लग जाएंगे। तो वेस्ट फेंकने से अच्छा है और हमारा पानी का यूज़ भी इसमें होने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ। दो चीज़ें आपको मैंने वेस्ट बता दी है और इस पर पत्तियाँ और मिट्टी का जो है दोनों हमारी अच्छी हो जाएगी। जो पत्तियाँ निकल रही है नई नई वो भी अच्छे से निकलने लग जाएगी, नए नए जो अभी मौसम चल रहा है बसंत का, तो वो एकदम से हेल्दी पत्तियाँ निकलेगी। अच्छा प्लांट हेल्दी होगा तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है तो एक और फर्टिलाइज़र आपको मैं बताऊँगी जो उसका यूज आपको कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये है बनाना प्रिल और ढेर सारा पोटाश होता है इसमें बनाना में, तो आप अपने प्लांट के लिए इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। केले खाकर हम छिलके वैसे भी फेंक देते हैं, तो आप इस तरह से कुछ भी डब्बे वगैरह में एक बकेट में इन जो छिलकों को पानी के साथ गला दीजिए और 15 से 20 दिन में ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। आप चाहे तो 4-5 दिन में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दिन तक आप इसको गला कर रखेंगे उतना ज़्यादा ये असरकारी होगा। तो केले के छिलके दोस्तों बहुत ही अच्छा स्रोत होता है फर्टिलाइज़र का, और अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए उसके साथ अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं तो ग्रोथ तो अच्छी कर जाते हैं लेकिन में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है। गुलाब के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, इस सलकमल में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इन सभी फूलों वाले फ्रूटिंग वाले प्लांट पर इनको यूज कर सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने सारे प्लांट पर जितनी भी चाहे आप मात्रा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इंडोर आउटडोर और विंटर समर सभी सीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दोस्तों ये जो चीज़ें बता रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें हम फेंकते ही हैं, इनका यूज कोई हम अपने किचन वगैरह में लेते नहीं हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने मेरे पिटोनिया है जो विंटर में ग्रो होते हैं, लेकिन अभी देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छे से हेल्दी बने हुए हैं। तो अभी ये फ्लावरिंग इनका टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हो गई थी मैं इनको ग्रो करने में, तो अब मुझे इनसे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ धूप में भी कर सकते हैं, छाँव में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। केमिकल यूज़ जब आप करते हैं तो उस समय का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो तीनों चीज़ें आपको मैंने दिखा दी है कि जिससे कि आपके प्लांट हेल्दी बने रहे, कीड़े ना लगे, उसके बाद पत्तियां शाइनी होती रहे, प्लांट हेल्दी रहे, और उसके बाद उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती रहे। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट जो है फ्लावरिंग पर आ चुके हैं। मैंने सारे प्लांट जो है प्रून कर दिए थे। प्रूनिंग के बाद क्या हो जाता है कि प्लांट की ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं तो जल्दी जल्दी प्लांट रेडी होता है फ्लावरिंग के लिए। और छोटे प्लांटर में भी दोस्तों मेरे यहाँ पर बीज बनते हैं, क्योंकि प्लांट हेल्दी है तभी बीज बनते हैं। तो इंडोर आउटडोर सभी में आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, बेस्ट यूज होता है इन सब चीज़ों का। और जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं इंडोर प्लांट की, कितनी शाइन हो रही है, कितनी शाइनिंग आ रही है इनमें, तो कारण यही है कि दोस्तों इन पर कीड़े नहीं लगे हैं, प्लांट हेल्दी है। और आप जो ये देख रहे हैं प्लांट अंगूर की बेल, ये मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने इस पर गौमूत्र का उपयोग किया, मिट्टी में भी दिया, स्प्रे भी किया, तो आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है और ये प्लांट एकदम से रेडी हो गया है। अब देखते हैं इसमें अंगूर कब तक आते हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है मेरे प्लांट की ग्रोथ की। तो
मैं आपको जल्दी इसका जो है अपडेट शेयर करूंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा मेरा गार्डन आपको कैसा लगता है। और अगर आपको जो चीज़ पूछनी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको किसी चीज़ पर अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप वो भी सब्जेक्ट आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपको ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और धन्यवाद दोस्तों।